गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें हमने देखा हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। तो इसी तरह सिमिलर मेथड हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन प्लेनेट। जैसे पैरेलेक्स मेथड से हमने लॉन्ग डिस्टेंस का मेजरमेंट किया है, उसी तरह से पैरेलेक्स मेथड का यूज करके हम लोग किसी प्लेनेट का डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। प्लेन एंगल का ही फार्मूला यूज करना होगा। इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, जहाँ तक हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे उसके बाद से। सिमिलर मेथड कैन बी यूज्ड to find size or angular diameter, जिसको हम अल्फा से डिनोट कर देंगे यहाँ पे। कैन बी यूज टू फाइंड द साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ ए गिवन प्लेनेट। तो इसमें क्या है, वही पैरेलेक्स मेथड यूज करेंगे। क्या करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर कोई प्लेनेट है तो उसका डायमीटर निकालने के लिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बनाएंगे कि कैसे डायमीटर पता करें कि ये इसके अकॉर्डिंग फिगर है। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं, ये मान लिया लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई प्लेनेट है, उसका डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन ये। तो ये लेंथ हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक क्या है, उसका जो डायमीटर है स्मॉल डी से मेजर किया, और जो डिस्टेंस है यहाँ पॉइंट हमने मान लिया यस ए बी, और ये भी डिस्टेंस डी होगा चूँकि सर्किल का रेडियस होगा डी। तो लॉन्ग डिस्टेंस डी, और ये जो एंगल फॉर्म होगा इसको हम कहेंगे अल्फा। तो सिमिलर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन प्लेनेट। तो ये मान लिया हमारा एक कोई प्लेनेट ए बी का, ए बी जो लेंथ है वो डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हमें डी पहले से पता रहेगा, ये एंगल अल्फा हमें मेजर करना रहेगा। तो अल्फा मेजर कर लेंगे, डी पता रहेगा, तो स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब इसमें लिखेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये ए बी लेंथ हमारा क्या है, प्लेनेट के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम प्लेन एंगल का यूज करें कंसेप्ट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हियर आर्क लेंथ हमारा यही सिचुएशन होगा, जैसे डी, तो डी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू अल्फा। डी इज द डिस्टेंस, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट। तो अगर यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू पता करना है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, अगर अल्फा हम यहाँ लिखें। तो ये मेन फार्मूला है हमारा, एक अननोन रहेगा जो कौन है, स्मॉल डी है, और इसी को हम फाइंड कर लेंगे। अभी अल्फा कैसे फाइंड करना है इसी को हम लोग देखेंगे। कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी जो डायमीटर ऑफ द प्लेनेट है उसको मेजर करना है, फाइंड करना है, यही हमें अल्फा एंगल फाइंड कर लेंगे। तो है क्या, ये अर्थ के किसी पॉइंट से हम लोग कैसे करेंगे अल्फा एंगल फाइंड, एक बार प्लेनेट के एक एंड को ऑब्जर्व करेंगे, एक तरफ उसका डायमीटर का एक एंड इधर, यहाँ से एक बार इधर मेजर किए, एक बार उसके दूसरे एंड को मेजर करेंगे। एक बार एंड ए मेजर हुआ, एक बार एंड बी मेजर हुआ, और जिससे हमें यह एंगल अल्फ़ा पता चल जाएगा। तो टेलीस्कोप के हेल्प से हम लोग एंगल अल्फ़ा को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, एंगुलर साइज भी कहते हैं इसको, एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट। तो अब इसके बाद हमें लिखना है अल्फा इज द
एंगुलर साइज ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट क्या है, एंगुलर साइज है। अभी है क्या, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन व्हेन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द प्लेनेट आर वेव्ड थ्रू द टेलीस्कोप, वेव थ्रू द टेलीस्कोप। तो क्या करेंगे, टेलीस्कोप की हेल्प से उस प्लेनेट के जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं ए और बी, उसको हम मेजर कर लेंगे तो हमारा अल्फा पता चल जाएगा, डी हमें पहले से पता रहेगा, और इस तरह से हम स्मॉल डी जो कि उस प्लेनेट का डायमीटर है उसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ भी सिंगुलर मेथड ही था, कौन सा, जो कि पैरेलैक्स मेथड है जिससे हम उस प्लेनेट का डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ना रहेगा, जिसमें हम डिग्री को रेडियन में, यूनिट एंगल में, या फिर मिनट में चेंज करना होगा। तो थोड़ा सा इसको हम नोट्स में लिखेंगे, इसमें कि हम कुछ सिंबल नए नए यूज करेंगे उसका नाम क्या होता है, जैसे कि 1 डिग्री, इसको हम कैसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 बना के ऐसे ये लगा देते हैं, इसको क्या पढ़ा जाएगा, 1 डिग्री। इसी तरह 1 मिनट, इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इस तरह 1 बना के ये इस तरह एक लाइन, तो ये 1 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, या आर्क ऑफ 1 मिनट भी कहा जाएगा इसको। इसी तरह 1 सेकेंड, इसको रिप्रेजेंट कर ले 1 पर 2 लाइन ऐसे बना देंगे, ये क्या कहा जाएगा, 1 सेकेंड। तो हमारे पास इतना सिंबल हो गया जो हमें आगे यूज करना है, 1 डिग्री, ये सिंबल 1 मिनट का, और ये सिंबल 1 सेकेंड का। अब हमें इसके पहले पता है कि 180 डिग्री क्या होता है, पीछे हम लोग पढ़े हैं प्लेन एंगल जहाँ पे पढ़े थे कि 180 डिग्री हियर जो होता है पूरा 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन, इसी का हमें यूज करना है। तो 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, इसी को हमें डायरेक्ट लिखना है यार, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। तो इस तरह हम सिंबल अब यूज करें डायरेक्ट, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो अब 1 डिग्री कुछ हम बेसिक टर्म यूज करके चलेंगे, ये तो यहाँ तक हमें पता था। अब हमें एक रिजल्ट यूज करके 1 मिनट और 1 सेकेंड की वैल्यू रेडियन में निकालना है। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे, हियर कि हमारा पर जो 1 डिग्री होता है 60 मिनट कंसीडर करेंगे, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड पता ही था, ये हम एक रिजल्ट स्टैंडर्ड स्केल मानेंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो अगर 1 डिग्री की वैल्यू पता है रेडियन में, तो 1 मिनट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए या 1 सेकेंड की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका हमने यूज किया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, दस तो 1 डिग्री जब हम क्या लिख सकते हैं, अब 60 मिनट इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा,
तो वन मिनट की जो वैल्यू होगी पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन, इस तरह एक मिनट की वैल्यू पता चल गई। ये वन मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने लिख दिया है। अब वन मिनट 60 सेकेंड होता है तो एक सेकेंड की वैल्यू क्या होगी? अगेन वन मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड की वैल्यू जो है पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन है। एक सेकेंड की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। ये इस तरह हमारा एक सेकेंड का वैल्यू पता चल गया। तो इस तरह हम लोग याद रख भी सकते हैं कि वन डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, वन मिनट में पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन, और वन सेकेंड में पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। इसको सॉल्व करने की जरूरत अभी ऐसे याद किए रहेंगे तो हम लोग कहीं न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एग्जांपल। तो इसमें है एग्जांपल नंबर 2.1, एग्जांपल 2.1 न्यूमेरिकल निकाली सॉल्व करना है इसमें। तो इसमें दिया क्या है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियन। तो इसको मान लीजिए हम डेसिमल वैल्यू तक सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ डेसिमल तक जैसे हमने नहीं निकाला है, खाली 1 मिनट का इतना निकाल छोड़ दिया है, तो पाई की भी वैल्यू रख करके सिंपली सॉल्व कर देना है बस, और कोई अलग नहीं करना है, करना इसी तरह रहेगा। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 मिनट क्या होगी, और 1 सेकेंड क्या होगा, बस इसको हम डेसिमल तक फाइंड कर देंगे। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसमें तीन पार्ट हैं। तो ए पार्ट में 1 डिग्री पूछा गया है, व्हाट विल बी 1 डिग्री। तो अभी हमने लिखा था हियर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इतना हमें पता है पहले से। तो करना क्या, पाई की वैल्यू रख दें और 180 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा पाई की वैल्यू जैसे 3.14, तो ये सॉल्व करने पर आएगा कितना, 1.745 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रेडियन। डेसिमल तक सॉल्व कर देना इसको। इस तरह 1 डिग्री की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा गया एग्जांपल 2.1 में आ गया। इसी तरह अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू पता है तो 1 मिनट की वैल्यू पूछा गया कितना होगा, तो उसको भी डेसिमल तक सॉल्व कर देंगे। बाकी क्वेश्चन में टर्म्स कंडीशन दिया गया है। तो ए पार्ट जैसे हमने किया, इसी तरह इसका बी पार्ट निकालना कितना, 1 मिनट। तो 1 डिग्री मीन्स क्या होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब एक तरह से वैल्यू है, तो 60 मिनट की वैल्यू कितना है, 1.745 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रेडियन। तो यहाँ सब एक मिनट निकाल दें, तो एक मिनट की जो वैल्यू होगी, क्योंकि इसी का हम यूज कर लेंगे, तो 1.745 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 60 रेडियन। अब इसी को हम अगर सॉल्व कर दें तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा 2.908 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन। और अगर अब इसको राउंड ऑफ करें तो 2.91 10 टू द पावर माइनस 4 रेडियन। ये यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसे हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकाला, उसी तरह 1 मिनट की वैल्यू निकाल दिए, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। सिमिलरली इसी तरह हम लोग 1 सेकंड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग कर सकते हैं कि 1 सेकंड कितना होगा। तो इसका थर्ड पॉइंट जो सी है, इसको अपनेस कर लेंगे, इसमें फाइंड क्या करना रहेगा, 1 सेकंड। तो हमें 60 सेकंड की वैल्यू पता है, 1 सेकंड की वैल्यू निकालना रहेगा बस। तो ये कंप्लीट हो जाएगा एग्जांपल जो उसी बेसिस पे था, और बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो हमारा
पैरालैक्स मेथड के अकॉर्डिंग होगा। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।